दोस्तों वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। सो दोस्तों कैसे हैं सब लोग आप लोग, और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पीएफ का कुछ नया रूल्स जो है कोविड-19 की तरफ से जो फैसिलिटी आपको इसमें मिला है। मैं आपको इसका मेरा प्रीवियस वीडियो आप नहीं देखे तो आई बटन में उसमें लिंक में दे दूँगा, आप उसमें जाके या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा, वो वीडियो को आप पहले देखिए दोस्तों, आपका जो है कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो आज का इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएफ जो अभी नया रूल जो अपडेट हुआ है कोविड-19 का, और उसमें आप पीएफ का अपना एम्प्लॉय शेयर से 75% यानी 3 महीने का जो वेजेस है वही विड्रॉ कैसे करना है, इस वीडियो में मैं डिटेल जो है बात करूंगा। वीडियो को दोस्तों एंड तक देखना, अदरवाइज जो आपको समझ में नहीं आ पाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे पीएफ 75% मेरा खुद का जो पीएफ में जो विड्रॉ किया हूँ वही प्रोसीजर में सोचा आपके साथ कुछ शेयर करूँगा, तो आपको भी जो है हेल्पफुल हो जाएगा ये सोच के मैं ये वीडियो जो बनाया हूँ दोस्तों। आप वीडियो को एंड तक देखना, बहुत नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है। तो चलिए अभी हम वीडियो की तरफ चलते हैं। तो ऐसे हम यहाँ पे गूगल क्रोम पे आ चुके हैं, आपको यहाँ पे पहले सिंपल टाइप करना है EPFO गूगल, ये सर्च में आपको जो है EPF साइट पे आपको पहले जाना है। इसके पहले दोस्तों आपको ध्यान रखना है आपका KYC होना चाहिए और आधार कार्ड का लिंक होना चाहिए और आपका सब अपडेट पैन कार्ड सब अपडेट होना चाहिए दोस्तों, उसके बाद आप ये चीज़ अप्लाई करना। तो यहाँ पे हम उसके बाद चलते हैं ऑनलाइन क्लाइम अकाउंट ट्रांसफ़र, यहाँ पे आपको जो है क्लिक करना है। यहाँ पे दोस्तों आप जैसे क्लिक करते हो तो आपके सामने एक ऐसा स्क्रीन ओपन हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो पोर्टल पे आपका UN नंबर, पासवर्ड और यहाँ पे जो नीचे कैप्चा दिया हुआ है आपको प्रॉपर तरीके से डाल के आपको जो है साइन इन पे क्लिक करना है। उसके बाद साइन इन करने के बाद दोस्तों आपके सामने ऐसा कुछ विंडो ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आपके ऑनलाइन सर्विस के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद जाना है क्लाइम फॉर्म 31, ओके। तो यहाँ पे उसके बाद बहुत ऑप्शन सारा ऑप्शन हो जाता है, यहाँ पे हमको जाना है क्लाइम फॉर्म 31 पे जाना है। उसके बाद दोस्तों आपको कुछ सामने ऐसा कुछ स्क्रीन ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आपको जो है आपका डिटेल्स पैन कार्ड नेम ये सब आता है। तो यहाँ पे आपको 4 डिजिट बैंक पासवर्ड, यहाँ पे लास्ट 4 डिजिट बैंक पासवर्ड आपको डाल के वेरीफाई करना है। उसके बाद आपको प्रोसीड फॉर क्लाइम के ऊपर आपको जो है क्लिक करना है। उसके बाद आपका अकाउंट डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा और आपको जो है ऑप्शन फॉर्म 31 को क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या करना है, पर्पज यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, अभी नया एक जो ऑप्शन आया है आउटब्रेक ऑफ पैंडेमिक ये ऑप्शन का आपको क्लिक करना है। और बाकी जो ऑप्शन है पहले जो होम लोन था, मैरिज पर्पज, ये सभी अभी इनवैलिड हो गया, यहाँ पे कुछ आप क्लिक नहीं कर सकते हो। और यहाँ पे आपको अमाउंट कितना अमाउंट आपका विड्रॉ करना है वो अमाउंट आप यहाँ पे डाल दीजिए और नीचे एड्रेस सब फिलअप करके यहाँ पे जो चूज फाइल यानी आपका जो भी अकाउंट जो अकाउंट आपका KYC में अपडेट है अकाउंट यहाँ पे डाल के यहाँ पे गेट OTP के ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों जैसे गेट OTP के ऊपर क्लिक करेंगे आपका रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक OTP आया होगा, वो OTP आपको यहाँ पे जो है इंसर्ट कर लेना है। उसके बाद आपको नीचे वैलिड OTP सबमिट क्लाइम फॉर्म के ऊपर आपको क्लिक करना है, तो थोड़ा ये टाइम लेगा। उसके बाद देख पा रहे होंगे दोस्तों ये ऑटोमेटिक यहाँ पे जो क्लिक कर ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करना है, तो आपका जो क्लाइम ये सबमिट हो गया है राइज हो गया है, आप PDF यहाँ पर मिल जाएगा या आप यहाँ से आप डाउनलोड भी सैप भी कर सकते हो। तो ऐसा कुछ प्रोसेस आप कर सकते हो अप्लाई करने के लिए PF विड्रॉ। और दोस्तों एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन है आप मेरा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, इसका मैं रिप्लाई आपको जरूर दूंगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो दोस्तों जरूर वीडियो को एक लाइक कर लेना और चैनल पे दोस्तों नया आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाला ऐसा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे जल्दी पहुंच सके। तो फिर मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।